बोलिए शिवृंदावन बिहारी लाल की ब्रज वल्लभ लाल की अलवेली सरकार की गिरिराज धर्म की जय श्याम सुंदर श्री यमदेव महारानी की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय। कल की कथा का एक सुंदर मैसेज, जब गुहु निषाद श्री भरत जी को प्रणाम करते हैं, उनके गुरुदेव को जाकर प्रणाम करते हैं, तब क्योंकि ये श्री राम जी के हैं ये पता चलते ही श्री भरत जी उनको जाकर के हृदय से लगा देते। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारी पूज्या माँ हर बार हमको आपको अपने प्रवचनों में बताते रहते हैं कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। संबंध जोड़ने से जितने भी अयोध्यावासी हैं वो सब गुह निषाद को देखते हैं तो उनको लगता है कि साक्षात लखनलाल से ही हमारी मुलाकात हो रही है। भगवान से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है जीवन में। आज गुह निषाद ने संबंध जोड़ा तो आज सबको लखनलाल के दर्शन हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है कि लखनलाल ही है सामने। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमारे आपके जीवन में होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब भक्त की इम्पोर्टेंस क्या है जीवन में, हमारे आपके जीवन में संत सदगुरु मिल जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ भरद्वाज मुनि श्री भरतलाल जी से कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पा। हमने जितने भी साधन किए, यहाँ हम उदासीन रहते हैं, तप करते हैं और प्रयागराज में रहते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, त्याग करते हैं, सब कुछ जो हमने किया उसका फल है कि हमको श्री सीताराम जी के और दर्शन हुए। वे यहाँ से निकले तब हमें उनके दर्शन हुए। किंतु तेही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग। हमें तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि उनके दर्शन का भी फल ये है कि उनके प्रेमी का दर्शन हमको हो रहा है। भरत जी कितने बड़े प्रेमी हैं, इस बात को श्री भरद्वाज मुनि कितने ढंग से समझा रहे हैं। सुनो भरत रघुवर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही। तुम्हारे समान प्रेमी कोई दूसरा है नहीं। श्री राम जी पूरी रात्रि तुम्हारी चर्चा करते रहे, पूरी रात्रि निकल गई। अब हमें विश्वास हो गया है कि प्रभु के दर्शन का भी एक फल होता है। अब तक तो यही मालूम था कि सब साधनों का फल प्रभु का दर्शन होता है, किंतु आज ये विश्वास हो गया कि प्रभु के दर्शन का भी एक फल होता है। वो होता है कि प्रभु के प्रेमी का दर्शन, उनका सानिध्य मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए। तो हमारे आपके जीवन में जो संत सदगुरु विराजमान है ये भगवान की बड़ी अहित की कृपा है। या इस प्रकार भक्त की इम्पोर्टेंस, भक्त की महिमा यहाँ पर श्री भरद्वाज मुनि ने बताई है हम आप सबको। और इतना ही नहीं, वो ये नहीं कहते कि हमारा ही सौभाग्य है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा सौभाग्य मेरा ही नहीं, पूरे प्रयाग का सौभाग्य है, तीर्थराज प्रयाग का भी सौभाग्य है कि आप भरत धन्य तुम जस जग जयो। हे भरत जी धन्य हो तुम। कहे अस प्रेम मगन मुनि भय। प्रेमी का सत्संग, प्रेमी का संग प्रेम को ही प्रदान करने वाला होता है। या भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। ऐसे प्रेमी श्री भरतलाल जी का जो दर्शन किया, सत्संग किया, उनके साथ बैठे,
इस प्रकार भक्त की महिमा हमको आपको सबको बताई गई है, इसलिए संत सदगुरु के प्रति समर्पित होकर के और बड़ी श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि भक्त का दर्शन भगवान की कृपा हो तभी प्राप्त होता है।